तो गाइस सर, हमारे पीछे एक पेड़ है और ये पेड़ पे सुबह और शाम को देखिए पक्षी आती हैं, आपको आवाज़ भी आता होगा, देखिए जैसा घोंसले भी है ना इसके ऊपर, और इन घोंसलों में काफ़ी सारे पक्षी रहते हैं। और मेरी इच्छा कुछ ऐसी है कि इनके खाने के लिए क्यों ना ऐसा कोई डिस्पेंसर बनाया जाए जिसके अंदर से ये लोग आराम से खा सके और कंटिन्यूसली उसके ऊपर से खाना गिरता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इन पक्षियों के लिए फूड डिस्पेंसर। इसके लिए क्या चाहिए, पहले लेने हैं आपको 2 बॉटल्स, देखिए सिंगल बॉटल फर्स्ट वाला और ये दूसरा वाला, और इसके बाद स्पेसिफिकली इन बॉटल्स को अलग अलग जगह से काट के बनाना है वो फूड डिस्पेंसर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ साथियों। उसमें क्या होगा, हम पक्षियों के लिए दाना डालेंगे ना, तो पक्षी तो खाएंगे उन दाने को और वो बर्बाद नहीं होगा, यहाँ वहाँ बिखरेगा नहीं बेसिकली। देखिए साथियों, फर्स्ट वाला सेक्शन जो है, जो हमारा बॉटम सेक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा कटेगा। आपको सेकंड बॉटल में क्या करना है, यहाँ पे कट करना है, छोटा सा दिखाता हूँ, देखिए इतना कट गया ना। अब इसके अंदर हम लोग जो है दाने डाल सकते हैं अपने, और यहाँ से ये निकलेगा। तो साथियों, ये है हमारा फूड डिस्पेंसर। बेसिकली देखिए, इसके ऊपर चारों तरफ गेहूं भरा हुआ है और नीचे ही भरा हुआ है, और जैसे ही चिड़िया खाएगी इसके अंदर से गेहूं, वैसे ही धीमे धीमे ऊपर से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, जैसे जैसे खत्म हो चलेगा साइड से, वैसे ही जो है ऊपर से धीमे धीमे गेहूं नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए देखिए, हटाने पर दिखेगा आपको, जैसे ही गेहूं यहाँ से खाली होगा ना, वैसे ही ऊपर से नीचे गेहूं धीमे धीमे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और चिड़िया इस प्लेट पर आराम से बैठ कर खा सकती है। अगर एक दो दाने यहाँ गिरते भी हैं तो चिड़िया वहाँ से भी खा सकती हैं, और ये जो है हमारा ऑटोमेटिकली नीचे वाले सरफेस पे ऊपर से गेहूं गिरता रहेगा। इसे मैं जाकर के अब इस पेड़ पे लगा देने वाला हूँ। साथियों, आपको हमारा चिड़ियाओं के लिए बनाया हुआ फूड डिस्पेंसर में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कोई नहीं करते हैं। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।